हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी 23 जुलाई की मैथमेटिक्स की वर्कशीट और जो वर्कशीट नंबर 8 है क्लास 10th की, तो इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, आपके क्लास टीचर का नाम, सेक्शन और स्टूडेंट आईडी सभी को लिखनी है। उसी के बाद वर्कशीट करनी है। और आपको इस वर्कशीट में समांतर रेखा और लंबवत रेखाओं की रचना कैसे करते हैं, क्या यह समांतर रेखा है या लंबवत है या समद्विभाजक है, इसके बारे में क्या होगी, जानकारी होगी। और वो आपको पैमाना, प्रकार और पेंसिल के द्वारा ही ड्रॉ करनी है या बनानी है। ओके बच्चों, देखिए, तो आप जो वर्कशीट में सबसे पहले रचना करेंगे, तो समांतर रेखाओं की रचना के चरण, मतलब आपको समांतर रेखाएं खींचनी है। यदि आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, जैसे सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ की और इसके समांतर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसके समांतर है या नहीं है? तो इसको आप किससे शो करोगे या प्रदर्शित करोगे, किससे या फिर बनाओगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। ओके बच्चों, तो देखिए इसकी प्रोसेस होती है, आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है और मैं उसको बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चों, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और देखिए बच्चों, मैंने क्लास 9th और 10th की आपकी सितंबर में होने वाली MCQ एग्जाम के आधार पर आपके क्वेश्चन बना रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। यदि किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराए, वीडियो को देखने के लिए कहे। बहुत अच्छी वीडियो है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। आपकी अब तक जितनी टेस्ट सीरीज है उनमें से ही क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में से सेम टू सेम आपकी एग्जाम में मिलेंगे। फिर आप कहोगे सर हमने तो वीडियो देखी नहीं, तो हम भी पास हो जाते। कोई कहेगा सर हमने वीडियो देखी है इसलिए हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी वीडियो देखें, उनको सभी बच्चे टेस्ट सीरीज की वीडियो जरूर देखें। ओके बच्चों, तो देखिए आप समांतर रेखाओं की रचना कैसे करते हैं। देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप जैसे आपको एक रेखा खींचनी है, जैसे आपने एक रेखा खींच ली, सपोज ये आपने एक रेखा खींची, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको मैं इन पॉइंटों को पढ़ पढ़ कर समझाऊंगा कि इसमें भी क्या वही बात बताई है जो मैंने आपको समझाई है। ओके बच्चों, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, सपोज आपके पास ये एक लाइन है L और आपने इसके बाहर किसी एक पॉइंट को मान लिया, ये आपके पास पॉइंट P है। जब आपने पॉइंट P और L को एक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद कर दिया, एक रेखा के द्वारा क्या कर दिया बच्चों, प्रतिच्छेद कर दिया, तो आपने जो इस रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया, तो इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे आपके पास आपको इसमें दिया गया है N, तो आपने इसका नाम N रख दिया। जब आपने इसको इसका नाम N रखा, तो ये दोनों एक बिंदु पर आपका क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जैसे ये दोनों रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपने इसका नाम, सॉरी बच्चों अभी गायब हो गया, फिर से बना देते हैं। जैसे आपके पास एक लाइन है, आपने एक पॉइंट माना, इस पॉइंट से इंटरसेक्ट या फिर इस पॉइंट से गुजरती हुई एक रेखा खींची और इसका नाम आपने N दे दिया और ये आपके पास L रेखा थी, तो ये जिस बिंदु पर आपकी प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम आपने X दिया। ये उसका नाम क्या दे दिया बच्चों, X दे दिया। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सबसे पहले कि आपने कोई एक चाप लिया, एक फिक्स चाप लिया और बिंदु P पर उसको रखा। क्या किया बच्चों, आपने उस चाप को बिंदु, पहले तो आपने सपोज उस चाप को बिंदु X पर रखा। बिंदु X कौन सा है आपका, बिंदु X ये रहा,
यदि आपने बिंदु X पर उसको रखा और आपने क्या किया, एक चाप काट दिया। जब आपने ये चाप काटा, तो आप जो चाप आपने लिया है आपके प्रकार और पेंसिल में वही समान चाप रहना चाहिए। उस चाप को बिना हिलाए डुलाए बिंदु P पर उसकी नोक रख के प्रकार की एक चाप और काटिए। अब आपके कितने चाप हो गए बच्चों? दो चाप हो गए। अब आपने जो सेकंड चाप काटा इसका नाम आप बाई रख दीजिए। इसका नाम क्या रख दीजिए? बच्चों बाई। तो आपके पास दो चाप हो गए बाई और इस फर्स्ट चाप का नाम जेड रख दीजिए। जब आपने इन दोनों चापों को काटा, इनके इस रेखा एन पर जो बिंदु मिल रहे हैं इस पर आप क्या करेंगे? आप इस पर फिर प्रकार की नोक रखेंगे और आप दोनों से पहले बिंदु बाई से एक चाप काटिए, फिर बिंदु जेड से एक चाप काटिए। दोनों जिस बिंदु पर आपके इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उससे एक लाइन खींचिए। उस बिंदु से एक लाइन खींचिए और जो लाइन होगी आप स्केल रखकर वो आपकी क्या होगी बच्चों? एक समांतर लाइन होगी। वो एल रेखा के समांतर एम, सपोज उसका नाम दे देते हैं, तो एल रेखा के समांतर एम क्या होगी? एक समांतर लाइन होगी। अब देखिए हम इसके पॉइंटों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कि एक रेखा L खींचिए एवं बाहरी भाग में एक बिंदु P लीजिए। जैसे आपने एक रेखा L खींची और बाहरी भाग में ये बिंदु P लिया। ओके बच्चों, अब इसके बाद में पॉइंट नंबर दो आपको दिया गया है कि रेखा L पर कोई बिंदु X लीजिए और P से मिलाइए एवं रेखा N खींचिए। मतलब आपने एक रेखा N खींची और ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम आपने X रख दिया। और ओके बच्चों, ये तो आपकी रेखा एल हो गई। ये आपका पॉइंट नंबर दो। अब देखिए आपके पास में पॉइंट नंबर तीन क्या है कि केंद्र एक्स से कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। मतलब आपके पास जो रेखा इस यहां पर मिल रही है उसको आपने क्या मान लिया? एक केंद्र बिंदु मान लिया और एक फिक्स रेखा या फिर एक फिक्स लंबाई का आपने क्या लिया? एक त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। जैसे आपने सपोज ये एक चाप काटा, मैंने बताया था आपको, और L को C एवं N को D पर प्रतिच्छेद करे। मतलब इसने इस चाप का नाम दे दिया कि ये C बिंदु को और ये D बिंदु को क्या कर रहा है? ये रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके नाम रख दिए इस चाप के जहां पर ये रेखा को मिल रहा है। ओके बच्चों, अब उसके बाद में आपके पास पॉइंट नंबर चार कि केंद्र P से चरण तीन के समान लेकर एक चाप खींचिए जो रेखा N को E पर प्रतिच्छेद करे। मतलब आपने जो पॉइंट टी में जो तीन में आपने जो समान त्रिज्या का चाप लिया है उसी चाप से खींचिए। मतलब इसने देखिए पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो रेखा चरण तीन में आपने जो समान त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप काटा उसी चाप को बिंदु पी पर रखकर आप क्या करेंगे? एक फिर से चाप काटेंगे। तो आपके क्या हो गए? ये दो चाप हो गए बच्चे। तो देखिए इसके बाद में जैसे ही आपने सेकंड चाप काटा तो आपको पॉइंट नंबर पांच पढ़ने की जरूरत कि केंद्र ई से इस चाप को एफ पर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करने वाली एक चाप इस प्रकार खींचिए कि ई एफ इजकल टू सी डी। मतलब आपने जो चाप यहां पर लिया ई बिंदु से जो आपने चाप एफ पर काटा वही चाप आपको डी से सी पर काटना है। मतलब वही समान चाप काटना, वो एक इक्वल चाप होना चाहिए। ओके बच्चों, ताकि ये दोनों लेंथ क्या हो? बराबर हो। जैसे आपने चाप काटा, चाप काटने पर आपको क्या मिला बच्चों? आपको चाप काटने पर इन दोनों रेखाओं का क्या मिला? प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट बिंदु। तो इस बिंदु को पी से जब हम गुजारेंगे तो ये क्या हो गई बच्चों? आपकी एक समांतर रेखा हो गई। ओके बच्चों, ये आपको यही पॉइंट मैंने पहले समझाया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, इस लाइन पर आपको एक दूसरी लाइन प्रतिच्छेद करानी है। जब आपने यहां से एक समान
इसके बाहरी पॉइंट में मानकर, बाहरी पॉइंट में जैसे पी से आप, जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपने इसके बाहर कोई बिंदु पी माना, इससे पी से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एल को, इसका नाम एम दे देते हैं, एल रेखा को एम इंटरसेक्ट करती हुई एक रेखा खींची, जिस बिंदु से इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से हमने एक समान त्रिज्या का चाप लिया और एक क्या किया बच्चों, एक चाप काट दिया। उसके बाद में जो बिंदु पी माना था उससे उस समान त्रिज्या का फिर एक चाप काटेंगे। इन दोनों चापों, जब हम दोनों ने, जब हमने ये दो चाप काटे तो एक समान त्रिज्या क्या क्या लेंगे बच्चों, एक समान त्रिज्या का हम चाप लेंगे जो बिंदु, जो बिंदु आपको इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या करना है, एक चाप काटना है। जब इस बिंदु से ये चाप काटा और इस बिंदु से हमने ये चाप काटा, यदि ये दोनों चाप, ये दोनों चाप बिंदु P से जब हम मिला देते हैं तो ये रेखा क्या होगी, दोनों रेखा समांतर होगी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको इसमें दिया गया है कि लंबवत रेखाओं की रचना के चरण, एक जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो, मतलब लंबवत रेखा खींचनी है अब आपको। ओके बच्चों, तो देखिए लंबवत रेखा के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लंबवत रेखा के लिए हमने क्या किया, पहले पॉइंटों को पढ़ लीजिए। पॉइंटों में आपको समझाया गया है कि दी गई रेखा एल के बाहरी भाग में एक बिंदु पी है, जैसे आपने एक रेखा एल ड्रॉ की, इसके बाहरी भाग में बिंदु पी है, तो आपने बिंदु P को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक बड़ी चाप इस प्रकार खींचिए जो L को दो बिंदुओं A और B पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ओके बच्चों, जैसे आप सबसे पहले पॉइंटों को पढ़िए, मैं फिर आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 आपको दिया गया है कि समान त्रिज्या लेकर एक समान चाप बिंदु A से एवं दूसरी चाप बिंदु B से खींचिए जो परस्पर Q पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और PQ को मिलाइए, रेखा PQ पर क्या होगी, लंबवत रेखा है। ओके बच्चों, देखिए इसमें आपको समझाया गया है कि जैसे आपके पास एक रेखा L है, जैसे आपके पास एक रेखा L ये हो गई, इसके बाहरी भाग में आपको बिंदु एक P लेना है, जैसे आपने बिंदु P लिया, जब हम बिंदु P पर प्रकार की नोक रख के एक समान त्रिज्या का क्या बनाएंगे, एक चाप लेंगे। जैसे आपने बिंदु P पर प्रकार रखा और समान त्रिज्या का एक चाप काट दिया नीचे की साइड। ओके बच्चों, जैसे ही हमने जिस समान त्रिज्या का चाप काटा, उस समान त्रिज्या के चाप को अब हमने जैसे इसका बिंदु A और B इसका नाम दे दिया, तो हम जब बिंदु A और B पर रखकर एक चाप काटेंगे, बिंदु A पर रखकर एक चाप काट दिया, बिंदु B पर रखकर एक चाप काट दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, एक कॉमन पॉइंट हो गया। एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों, फिर से आप देखोगे, मैं आपको फिर से पूरी प्रोसेस एक बार समझा रहा हूं कि आपने कि लंबवत रेखा कैसे प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए आपके पास एक रेखा L है, जब आपके पास रेखा L दी गई है या आपने ड्रॉ की है, तो आप इसके आउटसाइड में एक बिंदु ले गए, बिंदु P आपके पास ले लिया आपने, जब आपने बिंदु P पर प्रकार की नोक रखे, आपने क्या किया, रेखा L पर दो भागों में प्रतिच्छेद करने वाला एक क्या बनाया, आर्क, एक चाप। जैसे बिंदु P पर प्रकार की नोक रखे आपने एक चाप, सपोज ये बना दिया, तो उस जो आपके पास जो त्रिज्या ली है, जो आपने जिस त्रिज्या का चाप बनाया है, आपने क्या किया, जो चाप बनाए उसके दो बिंदु हुए उनके नाम रख दिए A और B। अब आपने जो त्रिज्या ली थी उसी त्रिज्या का आपको क्या करना है, बिंदु A पर रख के प्रकार की नोक बिंदु A पर रख के एक छोटा चाप काटा,
फिर उसी त्रिज्या के चाप से बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख के एक चाप काटा। जब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस बिंदु को हम किससे मिलाएंगे बेटा? बिंदु पी से। जो बिंदु पी से, सपोज इसका नाम हमने क्यू दे दिया, जो बिंदु पी और क्यू एक रेखाखंड होगा, वो आपका रेखा एल पर क्या होगा? एक लंबवत रेखाखंड होगा। ओके बच्चों, तो ये आपने क्या पढ़ा, लंबवत रेखाओं की रचना कैसे करते हैं और समांतर रेखाओं की रचना मैंने अभी आपको समझाया था। अब इसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर तीन। पॉइंट नंबर तीन में आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको दिया गया है कि किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना के कुछ चरण दिए गए कि लंब समद्विभाजक की रचना हम कैसे करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आपको इसमें, आपको इसमें दिया गया है कि एक रेखा, इसके चरण पहले आप पढ़िए अच्छे से कि एक रेखाखंड AB खींचिए। आपने जैसे सपोज एक रेखाखंड AB खींचा और जब आपने रेखाखंड AB को खींचकर A को केंद्र मानकर दो चाप खींचिए, A को केंद्र मानकर आपने एक चाप ऊपर की साइड, एक चाप नीचे की साइड रेखा के। जब आपने समान त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप क्या किया, नीचे काटा। अब आपने बिंदु A से जो चाप काटा जितनी त्रिज्या का, उतनी ही त्रिज्या का चाप आपको बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख के काटना है। जब आप दोनों बिंदुओं से चाप रेखा के ऊपर और नीचे काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इंटरसेक्ट पॉइंट, एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। जब आपको ऊपर वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको नीचे वाले प्रतिच्छेद बिंदु से मिला देते हैं तो देखिए बच्चों, जब आपने रेखा AB के ऊपरी पार्ट और निचली पार्ट में जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे, जो आपने इंटरसेक्ट करने के बाद बने, तो इनको मिलाने पर ये क्या हो गया, रेखा AB का आपका क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। ये क्या हो गया, रेखा AB का लंब समद्विभाजक हो गया। ओके बच्चों, आपको जो प्रोसेस नंबर 4 थी इसमें यही समझाया गया कि प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाइए और CD रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। तो आज की जो आपकी वर्कशीट थी इसमें आपको समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और लंब समद्विभाजक रेखाओं के बारे में ही समझाया गया था। और आज का आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम है कि सभी रचनाओं को दो बार अभ्यास कीजिए। मतलब जो आपकी वर्कशीट में आपको काम करके भेजना है वो आपका काम है कि समांतर रेखाओं की रचना, लंबवत रेखाओं की रचना और लंब समद्विभाजक रेखाओं की रचना को दो बार प्रोसेस करके आपको क्या करनी है, समझानी है। दो बार प्रोसेस करके क्या करनी है, समझानी है। ओके बच्चों, तो देखिए मैं आपको एक बार इस प्रोसेस को फिर से समझा देता हूं मैं आपको कि आपको, तो देखिए इसमें आपके पास प्रोसेस है कि हम समांतर रेखाओं की रचना कैसे करते हैं। सपोज आपके पास एक रेखा AB है, सपोज L इसका नाम लीजिए, इसके आप बाहरी बिंदु में बिंदु P कोई एक बिंदु इसको आपने क्या किया, सपोज किया। अब आप बिंदु P से एक रेखाखंड खींचोगे, वो रेखाखंड आपका L को क्या करेगा, समद्विभाजक करेगा या फिर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करेगा, इसका नाम आप N रख दीजिए। जज आपने इसका नाम N रखने के बाद आपने क्या किया, आपने एक जो जिस बिंदु पर L और N इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को आप नाम दीजिए M। M से प्रकार की नोक को रख के आप एक फिक्स त्रिज्या का क्या करेंगे, एक चाप लेंगे और उस चाप से आप रेखा L पर एक क्या करेंगे, एक छोटा आर्क या चाप बनाएंगे। उसके बाद बिंदु P से आपको क्या करना, बिंदु P पर फिर उसी त्रिज्या का चाप लेकर एक छोटा आर्क बनाना है।
तो आपके पास जो बिंदु पी पर चाप नोक रख के आपने जो आर्क बनाया उसका नाम क्यू रख दीजिए, और जो आपने बिंदु एम पर प्रकार की नोक रख के जो चाप बनाया और उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नाम आप क्या रखेंगे, उसका नाम सपोज आपने ओ रख दिया, तो ओ और क्यू पर उसी त्रिज्या के चाप से क्या करेंगे, उसी त्रिज्या के चाप से एक आर्क बनाएंगे। ओ पर फिर से प्रकार की नोक रख के आपने एक क्या बनाया, एक आर्क काटा, फिर बिंदु क्यू पर आप प्रकार की नोक रख के फिर एक आर्क काटेंगे। जैसे आपने दोनों आर्कों को काटने पर आपको दोनों आर्क का क्या मिलेगा, या चाप का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, उसका नाम आप रख दीजिए बाई। जब आप बाई बिंदु को या फिर बाई जो आपका कॉमन चाप या प्रतिच्छेद मिला, प्रतिच्छेद बिंदु मिला, उसको बिंदु पी से मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ गई, एक रेखा, और इसका नाम आप रख दीजिए क्यों, क्यों डैश। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई समांतर रेखाएं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको देखना है कि सेकंड लंबवत रेखाओं का कैसे ड्रॉ करते हैं। आपके पास एक रेखा L आपने ड्रॉ की, इसके किसी बाहरी पॉइंट में बिंदु P आपने क्या किया, बिंदु P माना, और बिंदु P पर प्रकार की नोक रखे, इसका नाम L है, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखे आपने क्या किया, दो इसको दो भागों पर कट करने वाला एक क्या बनाया, चाप लिया। सपोज इसका नाम AB क्या है, एक चाप है। बिंदु फिर उसी त्रिज्या का आपको क्या लेना है, उसी त्रिज्या का आपको क्या लेना है बच्चों, उसी त्रिज्या का आपको फिर से चाप लेना है, और बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के एक चाप इस साइड काटा, फिर दूसरा चाप बिंदु P पर प्रकार की नोक रख के जब काटा तो आपका ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, मतलब दोनों चापों का इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब बिंदु P को जो बिंदु P का सेंटर पॉइंट था उसको इसका नाम क्यों रख दिया, और बिंदु क्यों से मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, ये इस लंबवत रेखा हो गई, बिंदु L के लंबवत रेखा क्या हो गई बच्चों, PQ। ओके बच्चों, और जो आपको समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा क्या होगा, अब देखिए समद्विभाजक कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज आपके पास एक चाप या एक रेखा AB है, एक रेखा AB है, जब AB रेखा में आपने कोई एक त्रिज्या का चाप लेकर इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा लंबाई का चाप लेना है, यह बात ध्यान रखना, आधे से अधिक लंबाई का चाप लेना है, और आपने रेखा AB के बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के एक चाप रेखा के ऊपर दूसरा चाप रेखा के नीचे काटा, उसी रेडियस का या उसी त्रिज्या का चाप बिंदु B पर प्रकार की नोक रख के हम जब काटेंगे तो रेखा के ऊपरी पार्ट और रेखा के निचले भाग में जब हम दोनों चाप काटते हैं तो ये दोनों चापों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है जब हम उसको मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, ये रेखा AB का समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक हो गया। ओके बच्चों, तो यही प्रोसेस आपको दो दो बार करके भेजनी है प्रत्येक बच्चे को, और सभी बच्चों को मैंने बताया था कि आपकी जो सितंबर में होने वाली MCQ एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको सभी बच्चे देखें। ओके बच्चों।